जन्मदिन पर खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन करनाल के एक परिवार गया तो था जन्मदिन की खुशियां मनाने, लेकिन उन्हें कहां खबर थी कि जन्मदिन खुशियां नहीं मातम लेकर आएगा। करनाल का नेशनल हाईवे, करनाल में एक बार फिर दो जिंदगियां काल का ग्रास बन गईं। सड़क हादसे का ये ताजा मामला नेशनल हाईवे करनाल के सेक्टर 5 का है, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर से दो बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मिली थी एक्सीडेंट हो गया, हम मौके पर आए हैं, एक बता रहे हैं डेड हो गया, एक इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया, हम एम्बुलेंस मंगा ली थी। कितने लोग मौजूद थे सर बाइक पर? अभी तो हम तो जब आए थे यहाँ दो मिले थे। अच्छा। इनमें एक इंजर्ड थी, लेडीज इंजर्ड थी, उसको हॉस्पिटल भेज दिया, एक डेड हो गया, उसको भी एम्बुलेंस मंगा रखी है। डेथ हो गई है? हाँ, एक की डेथ बता रहे हैं। कुछ पता चला कि कहाँ के हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। तो क्या सर ट्रक ने टक्कर मारी? अभी कर रहे हैं कार्रवाई, ट्रक ड्राइवर जैसे भी कार्रवाई होगी हम नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर बात है। एक दो एक्सीडेंट के केस आए थे नमस्ते चौक के आसपास, फ्लाईओवर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, तो दो एक जेंट्स और एक लेडीज थी, लगभग 30 साल का तो जेंट्स थे और 19-20 साल की लड़की थी, दोनों ब्रॉड डेड थे। तो हादसे में डेथ हुई? हाँ जी, एक्सीडेंटल केस थे। तो उनके साथ कुछ और लोग भी बताए जा रहे हैं? औरों का एम्बुलेंस वाले ने बताया कि लगभग 4-5 लोग थे, बाकी क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही आए थे। तो किस पे? बाइक पे थे? बाइक पे कह रहे थे। तो ट्रक से टक्कर हुई? हाँ, कुछ ऐसे ही बताया कि ट्रक से टक्कर हुई। तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? हाँ जी, एंट्री करवा दी होगी यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। जानकारी के अनुसार बाइक चालक रवि गांव गढ़ी खजूर का निवासी था, जो बैंक में काम करता था। आज रवि की पत्नी का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए दो भतीजियों और पत्नी को लेकर करनाल आया था। जन्मदिन मनाने के बाद जब वापस जा रहा था तो सेक्टर 5 के पास ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिससे चालक और उसकी एक भतीजी की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाकी दो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गाड़ी खजूर ग्राउंड के पास से है। ये रवि कुमार लड़के का नाम है। ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रक वाला मौके से फरार हो चुका है। ये नहीं देखा जी, तो दो को तो लेके चले गए हैं हॉस्पिटल में, दो यहीं पड़े थे, लड़की के थोड़े सांस के पास आ हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे काली माता का मंदिर है ना, वहाँ पर ये की बाइक से जा रहे थे तो ट्रक वाले ने साइड मार दी, जिसमें से दो बंदों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और दो घायल हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन कौन बाइक पर सवार? वाइफ घायल हुई है और एक उनके साथ एक लड़की भतीजी है और उनके हस्बैंड रवि है, जो उनकी डेथ हो गई है, और एक और भतीजी है उनके ऑन द स्पॉट ट्रक में, अनामिका की डेथ हो गई है। क्या करते थे ये? ये बैंक में जॉब करते थे, जीवन बैंक में, और सेल्स में काम करते। अनामिका शायद पढ़ती होगी, पढ़ती थी। स्नेहा भी पढ़ती है? स्नेहा भी पढ़ाई करती है। सिल्की हाउस वाइफ है? हाँ जी, सिल्की हाउस वाइफ है। तो जन्मदिन था किसी का? शायद से बता रहे उसकी वाइफ का जन्मदिन था। अच्छा, वो मनाकर वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे थे। इनकी घर पे बात भी हुई है 2 बजे कि हम ठीक है, हम वापस आ रहे हैं, तो 3:30 बजे के आसपास इनका एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे पे फोन आया, हमने जाके देखा कि जो ड्राइवर लेके आए थे साथ में, उन्होंने बोला कि दो बंदे तुम्हारे उसी टाइम ही चले गए हैं, आप उनको जाके देख लो वहाँ पर। तो यहाँ पे आके देखा तो हमने रवि की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और अनामिका भी उसी टाइम ही। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक ड्राइवर की धरपकड़ में जुट गई है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।